हे गाइज, इट्स क्रिथलीन। वेलकम बैक टू सिद्धू व्लॉग्स। गाइज, रिसेंटली मैं देख रही हूँ, अभी थोड़े टाइम पहले ये न्यूज़ आ रही है कि ईरान एंड पाकिस्तान के बीच में कोई टेंशन चल रही है। मिसाइल अटैक हो चुका है। क्यों ईरान ने अटैक किया है पाकिस्तान पे? तो इस वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने की ट्राई करेंगे। आई विल ऑल्सो रिएक्ट ऑन इट। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ये मेरा इंस्टा हैंडल है, आपने मुझे यहाँ पे भी फॉलो करना है। लेट्स क्विकली रिएक्ट ऑन दिस एंड फाइंड आउट कि क्या रीजंस है और ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, 15 अक्टूबर 2023 को ईरान में ऐसा क्या हुआ था जिसका जिम्मेदार ईरान आज भी पाकिस्तान को मानता है, और इसी वजह से दो दिन पहले 16 जनवरी 2024 में ईरान ने पाकिस्तान जैसी एटमी पावर को ललकारते हुए इसकी सरहदों पे हमला कर दिया है। बदले में पाकिस्तानी फौज कैसी कार्रवाई करेगी, पाकिस्तान ने अभी तक ईरान के खिलाफ क्या जवाबी कार्रवाई की है, ये सब आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, ईरान की ये हरकत आज की नहीं बल्कि सबसे पहले ईरान की सबसे गंदी हरकत मुसलमानों के सामने तब आई थी जब 27 अक्टूबर 2016 के दिन हूतीज ने खाना काबा पे मिसाइलों से हमला कर दिया था। हालांकि खाना काबा मुसलमानों का किबला है और हूतियों को ईरान सपोर्ट करता रहता है, और यही ईरान आज पाकिस्तान पे हमला करने चल पड़ा है। आजकल दुनिया के सामने ईरान बड़ा बढ़ चढ़ के सामने आ रहा था कि यह फलस्तीनियों के साथ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ईरान ने पहले मुल्क शाम पे हमला किया, फिर इराक पे हमला, और आज पाकिस्तान को आंखें दिखाने चल पड़ा है। दोस्तों, ये सारा किस्सा मंगल की शाम 16 जनवरी को पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में पेश आया, जब ईरानी एयरफोर्स ने बलूचिस्तान में पंजगढ़ के अंदर मिसाइलों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में दो जानें जाया हो गई और तीन लड़कियां जख्मी हो गई। ईरान ने ये हमला पाकिस्तान की इजाजत के बगैर किया है और ये मुल्क पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर ईरान को अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान पे हमला करने की जरूरत क्यों पेश आई? दोस्तों, दरअसल 15 दिसंबर 2023 में ईरानी हदूद में एक ऐसा वाकया पेश आया था जिसका इल्जाम ईरान आज भी पाकिस्तान पे लगाता है। ये ईरान के बॉर्डर पे रस्क नामी एक टाउन का वाकया है जहां 11 ईरानी पुलिस अफसरों की जान चली गई थी, और इस हमले में जो लोग शामिल थे ईरान आज भी उनको पाकिस्तान से कनेक्ट करता है, क्योंकि इस वाकये की जिम्मेदारी जैशुल अदल ने कबूल कर ली थी, और ये जैशुल अदल नामी ग्रुप के कुछ लोग बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले थे। बस इसीलिए ईरान इस मामले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पे डालता आ रहा है। दोस्तों, अब पाकिस्तान पे हमला करने की वजह भी यही है। ईरान की तरफ से ये दावा किया गया है कि ईरानी एयरफोर्स ने सिर्फ अपनी सालमियत के लिए ये फजाई हमला किया है, इसमें किसी मासूम शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ जैशुल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। लेकिन जो भी है, ये हरकत पाकिस्तान की इजाजत के बगैर की गई है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान इसकी जवाबी कार्रवाई के लिए क्या करेगा। दोस्तों, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा से सबसे पहला जवाब ये आया कि पाकिस्तान ने ईरानी सफीर को अपने मुल्क से निकाल दिया है और दूसरी तरफ अपना सफीर ईरान से वापस बुला लिया है, और आने वाले दिनों में ईरानी हुकूमतों से होने वाली सारी मुलाकातें कैंसिल कर दी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी अफवाज ईरान को भरपूर जवाब देने के लिए अपनी तैयारियाँ भी मुकम्मल कर चुकी थी। एक एटमी ताकत पे इस तरह की चवली ईरान को बहुत महंगी पड़ने वाली थी। हालांकि ईरानी वजीर खारजा हुसैन आमिर अब्दुलिया का कहना है कि इस हमले में पाकिस्तानी किसी भी मासूम शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जो भी है, ये पाक ईरान दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ने जुबानी एहतजाज के अलावा फौजी कार्रवाई क्यों नहीं की। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से ईरान को भरपूर जवाब दिया जा चुका है। ये आज 18 जनवरी की सुबह की बात है जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ईरान की हदूद में अपने मिसाइल मार दिए है और ईरान के मुँह पे चमाटा मारा है की आइंदा पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने की जुर्रत न करना, और उम्मीद है ईरान अब सुकून से बैठ जाएगा। दोस्तों, इस सारे वाकये को सामने रखते हुए पूरी दुनिया के मीडिया में हलचल मच गई कि एटमी पावर को इस तरह का चैलेंज नहीं करना चाहिए। इसीलिए मजीद जंग लगने के डर से चाइना ने फौरन अपनी एंट्री मारी है, और चाइनीज वजीर खारजा माओ निंग ने मीडिया से बात करते हुए इस बात पे जोर दिया है कि इन दोनों इस्लामी मुल्कों को मामला मजीद बढ़ाना नहीं चाहिए ताकि इस खित्ते में अमनो अमान की सूरत हाल बहाल हो सके। लेकिन दोस्तों, ईरान की तरफ से अभी माफी मांगने की रिपोर्ट आना बाकी है, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज को ईरानी बदतमीजियों का मजीद जवाब कैसे देना चाहिए, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक्चुअली क्या होता है, जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ना, वो जहाँ भी होते हैं तो वो काफ़ी डिस्ट्रक्शन कर सकते होते हैं। सो इट इज़ ओनली वाइज कि जहाँ भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वहाँ पे अटैक ना तो वैसे बड़े स्केल पे होता है ना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान के पास वेपन्स हैं तो पाकिस्तान के पास भी हैं, तो वो भी न्यूक्लियर स्ट्राइक्स कर सकते हैं।
ऑब्वियसली उन्होंने मुंह तोड़ उनको जवाब दे ही दिया पाकिस्तान ने ईरान को. सो आई थिंक अभी मामला बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा. प्लस चाइना मीडिएट कर रहा है तो ऑब्वियसली मामला सॉल्व हो ही जाएगा. सो आई वॉन्टेड टू नो कि क्या रीज़न है. स्पेकुलेशन के बेसिस पे ही होता है रीजन्स, कोई इनका ठोस सबूत नहीं होता. और रीज़न उनको लगता है कि इन्होंने हमारे दिसंबर में अटैक करवाया था, उनको बलोच के कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको ब्लेम कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये किया. सो हमें काफ़ी क्लैरिटी मिली इस टॉपिक पे. एंड आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. दिस इज सिद्धू व्लॉग्स साइनिंग ऑफ. आई लव यू गाइस.